सब्सक्राइब करें टैग मॉल प्रोजेक्ट और दबाएं साथ में बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह आज यूट्यूब में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है टैग मॉल प्रोजेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको एक पिक को ब्लर करके दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। ये ब्लर बहुत ही आसान है, जैसे ही आपको मैं बताऊँगा वैसे वैसे आपको ये कुछ जो आपके लिए मैं करके दिखाऊंगा। तो ये एक DSLR है जो आपके लिए एक अच्छी पिक तैयार कर सकते हैं आप फेसबुक लिए। तो आप देखते होंगे आपके दोस्त कुछ इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ और सोशल नेटवर्क है, वहाँ पर आप पिक छोड़ते दे हैं तो अच्छी अच्छी होती है पिक, जिसके पास फ़ोन आता है DSLR का तो वो उस कैमरे से कर लेते हैं। तो ये क्या था, पहले इसको कैमरे में यूज़ किया जाता था, अभी इसको फ़ोन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा कैमरा क्वालिटी है, तो ये आप देखते हो काफ़ी सारे आपके दोस्त करते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कोई कैमरे की ज़रूरत नहीं, बस आपके लिए एक अच्छी सी पिक होनी चाहिए जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी पिक जो है, ये अच्छी पिक है जो कि मैंने अपने जिसका मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाया था बैकग्राउंड। एंड इसकी जो मेरे पास शर्ट पहनी हुई है, ये ब्लैक कलर की है, ये इस कलर की नहीं है, ग्रीन कलर की, ये कुछ और कलर था जो मैंने इस ऐप के ज़रिए से इसे किया था, तो ग्रीन किया था। तो ये ही अच्छी आपके लिए है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तो ये नहीं कि मैं आपके लिए पिक बनाऊँगा, आप एक मेरे से भी अच्छी पिक को बना सकते हैं। तो बीच में आज क्रिकेट मैच चला हुआ है तो बीच में हम स्कोर भी देख रहे हैं, तो चलिए जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस जो एप्लीकेशन का नाम है पिकार्ट, तो इसको आपको पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपको डाउनलोड कर लेते तो इसका कुछ ऐसा होम पेज आपको दिखाई देगा जैसे आप इसे ओपन कर लेते हो। और उसके बाद क्या, आपको इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लस का निशान दिया है, आपको इसको दबाना है और इसके बाद आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर आ जाएंगी, जिसे आप चॉइस करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक पिक्चर को कर रहा हूँ चूज़, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी चला जाता हूँ मैसेज में, इसमें मेरे को फेसबुक पर मेरे फ्रेंडों ने कुछ पिक्चर सेंड की थी, तो इसको आप सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो आपके सामने आएगा इसे आप क्लोज़ कर दें। और उसके बाद कुछ ऐसी आपको डायग्राम दिखाई देगी। और उसके बाद क्या, आपको यहाँ पर टूल्स है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, जैसे कि आप पिक का जितना साइज करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी पिक तो काफ़ी लॉन्ग है तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने शॉर्ट की। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप इफेक्ट्स लिखा है, यहाँ पर आपको टाइप करना। और उसके बाद क्या है, इसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जैसे कि एफएक्स, इसमें आपको कुछ अच्छे से ढूंढना होगा जो आपको अच्छा लगा है तो आप उसे कर सकते हैं। और जिसे ही आप इसे अच्छा करते हो तो आप और भी अच्छा कर सकते हो मेरे से भी। इसके बाद आप आ जाता मैजिक और उसके बाद आता ब्लर। जैसे आप ब्लर को दबाते हो और उसके बाद क्या, आपके सामने कुछ ऐसे आ जाता है, ये ब्लर है और उसके बाद ये ब्लर है और इसके बाद ये आ जाता है। तो आप पहले वाला ब्लर को यूज़ करना और उसके बाद यहाँ पर आपको रेज़र दिखाई दे रहा होगा, इसे दबाना है रेज़र को। आप तो एक तो ऐसे ही इसे टाइप कर सकते हो पेंसिल के साथ और उसके बाद क्या, रेज़र, तो आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है इसके साथ एक डायग्राम जैसे इंसान की होती है वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे दबाना है। जैसे आप इसे दबाएंगे आपका ऑटोमेटिक ही जो आपकी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगी। और उसके बाद क्या, आप इसे कितना करना चाहें वह इतना कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप जब आते हो तो ये देखो आप साइज़ इसका ब्लर का, जैसे कि मैं अभी इसको पेंसिल से यूज़ कर लूँ तो इसे आप कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो कर सकते हैं। और उसके बाद जो पेंसिल का निशान दिया गया इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद तो आप यूज़ कर चुके हो। और उसके बाद ये आप करना चाहते हैं जितना ब्लर करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। उसके बाद रेजर है, ड्रॉ है, तो आप जितना चाहें वहीं से कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं ये मेरी पिक को ब्लर किया, ये देख सकते हैं और भी अच्छा है। और इसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप ब्लर कितना करना चाहते हैं ये देख सकते हैं, आप कितना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा करोगे तो आपको फ्रेंड को लगेगा जैसे कि ये सेटिंग किया गया। अभी इसको इतना रखना है, इतना बस 6-7 इसे कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक टिक का निशान, तो आपको यहाँ पर दबाना होगा। जैसे कि अभी इसको दबाते हो और इसके बाद नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है, और इसके बाद इसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद जहाँ पर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, आप कहीं भी पिक को सेव कर सकते हैं या अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम गैलरी में सिर्फ सेव कर देते हैं, ऐसे ही मैंने डन कर दिया। और इसके बाद क्या, इसको आप डायरेक्टली अपनी फोटो शॉप में चला जाना जो आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पर जाते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप पिक आर्ट में चले जाना। और उसके बाद देख सकते हैं आप, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये ब्लर किया गया है या फिर आपने कैमरे से किया हुआ पिक। तो आज की मेरी यही वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें टैग मॉल प्रोजेक्ट और दबाएं साथ में बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो जानने के लिए।